नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं बेलपत्र और बोले ये बीज मंत्र हर मनोकामना आपकी होगी पूरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बेलपत्र संबंधित हम आपको वह जानकारियां देने जा रहे हैं जिसको यदि आप लोग प्राप्त कर लेते हैं और इन उपायों को अपने जीवन काल में अपना लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वो कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि साक्षात महादेव का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कितना ही परेशान हो, कितनी बड़ी दिक्कत में हो, आपको एक बात जानना चाहिए कि यदि आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो वो हमेशा सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्र के अनुसार बेलपत्र एक माह तक बासी नहीं माना जाता है। इसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि देखिए होता क्या है कि भारत के कई गांवों में, कई कस्बों में जहां शिवालय है वहां पर बेलपत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो वहां पर लोग यही करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो बार बार होकर के चढ़ाते हैं, और ये गलत नहीं है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। यदि आपके यहां होता नहीं है तो दूसरा भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ भी निकला था जिसका जो जहर था वो पूरी दुनिया में फैलने लग गया था। उसी वक्त भगवान भोलेनाथ जी ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाता है। अब विश्व के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का जो वातावरण था वह जलने लगा था। तो उस वक्त देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और पानी अर्पित किया था, जिसके पश्चात भगवान भोलेनाथ के शरीर की जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी थी। उस दिन के पश्चात से बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मतलब यदि आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं और एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाते हैं तो ये बराबर माना जाता है, इतना शुभ होता है भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना कहावत। तो यहां पे दोस्तों की यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहा है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दोस्तों की भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा और सावधान हो जाइए, क्या यदि आप भगवान भोलेनाथ के सामने गलत तरीके की पूजा करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। तो बेलपत्र जो होता है दोस्तों वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का बहुत ज्यादा शुभ है, किंतु बेलपत्र कुछ आप दिन ऐसे हैं जब नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे किस किस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो कुछ खास स्थिति है जिनका आपको ध्यान रखना होगा, कहीं अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सोमवार को चढ़ाया जाता है, किंतु सोमवार के दिन भी भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र नहीं तोड़ा था। बेलपत्र जब भी आपको तोड़ना हो तो रविवार के दिन तोड़ लीजिए, और किसी भी सप्ताह के दोपहर के पश्चात आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। इन चीजों को आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेल वृक्ष होता है इसमें माता पार्वती जी भोलेनाथ और बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्म का वास होता है, इसलिए दोपहर के पश्चात इसके पत्ते या इसकी डंडी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि बेल वृक्ष की लकड़ियां जलाते हैं। दोस्तों आज एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बेल वृक्ष की लकड़ियों को किसी भी स्थिति में नहीं जलाना चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है, इससे आप अपने घर पर दरिद्रता को न्योता देते हैं। ये बातें आपको कहीं भी जाने को नहीं मिलेंगे जो आज हम बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपने बेलपत्र के वहां उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके जीवन काल में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से चालू हो जाएगा, आपके घर जो घर के बच्चे हैं वो विद्वान बन जाएंगे,
आप यदि किसी रोग की वजह से बहुत परेशान थे, टूट चुके थे, इलाज करा करा के, तो उस तरीके के रोग से आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, आखिर बेल वृक्ष पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार पार्वती जी के कुछ पसीने मंत्राचल पर्वत पर जा गिरे थे, जहां से एक पौधा हुआ था जिसको बेल वृक्ष कहा जाता है, और बेलपत्र के हर पत्ते में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि शायद ये बात आपको ना पता हो कि एक के व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती है, रोग आते हैं, वो तीन तरीके के 200 आती है। वो कौन कौन से दोष है? वास्तु दोष, पितृ दोष और कप्रदोष। ये तीन ऐसे दोष हैं जो आपके जीवन काल में परेशानियों का भंडार लगा सकते हैं। किंतु हिंदू प्राणों में साफ साफ कहा गया है, प्रतिदिन कोई व्यक्ति बेलपत्र खा रहा है तो उसको इस प्रकार के दोष लग ही नहीं सकते। और प्रतिदिन न छोड़ के यदि सप्ताह के सोमवार के दिन भी आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाते हैं तो दोस्तों, पितृदोष का दोष और कोई भी दोष हो, वहां आपका एक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे, आपके ऊपर कभी कोई दोष ना लगे, तो आप लोग सोमवार के दिन बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, उसको जरूर खाया कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको रक्त संबंधित कोई बीमारी है, रक्त संबंधित कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आपको यह करना चाहिए कि एक माह तक लगातार बेलपत्र खाना चाहिए। यदि एक माह तक बेलपत्र खा रहे हैं तो ये साइंस की लैंग्वेज में भी कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। रक्त संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्योर हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका जो रक्त एकदम साफ हो जाए, तो आपको बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। शायद ये बात आपको ना पता हो, विदेशी लोग जो होते हैं दोस्तों, भारत से बेलपत्र ले जाते हैं, क्योंकि विदेशों में बेल वृक्ष जल्दी उगता नहीं है, से बड़ी मात्रा में बेलपत्र ले जाते हैं और अपनी दवाइयों में इसको डालते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनकी जो दवाइयां बनती हैं उसमें बेलपत्र का प्रयोग होता है। दुहक की बात यह है दोस्तों कि विदेशी लोग जहां पर हमारे भारत की औषधि का प्रयोग करते हैं, हमारे जो लोग हैं, खुद के लोग हैं, उनमें सारी जानकारियां विलुप्त होती चली आ रही हैं। हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। इसी का प्रयोग करके विदेशी लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग ऐसी प्राचीन जानकारी जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मान लीजिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है और आप टूट चुके हैं अपने दुर्भाग्य की वजह से। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमारे जीवन काल में जो दुर्भाग्य हमारे पीछे पड़ जाता है, तो हम किसी भी कार्य को करेंगे, काम को करेंगे, वो पूर्ण ही नहीं हो सकता। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका फल मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? हिंदू पुराण के हिसाब से एक बहुत ही सर आसान तरीका बताया गया है, जिसका आप बेलपत्र के तरीके से करते हैं, तो मान के चलिए आपकी हर परेशानी, कष्ट सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। आपको 3 हफ्ते लगातार ध्यान दीजिएगा, 3 हफ्ते लगातार हर सोमवार को किसी भी शिवालय जाकर के बेलपत्र 7 बजे से पहले चढ़ा देना है। यदि आप इतना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप 1001 बार करते हैं, 3 हफ्ते के पश्चात आपका जो दुर्भाग्य होगा वो भाग्य में बदल जाएगा। ये बहुत सरल से उपाय दोस्तों, यह उपाय करके आप अपने जीवन काल की कई तरह की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा हो रहा है कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप जॉब के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो क्रिया साधना हम आपको ये यदि आपने कर लिया तो आपकी जॉब लगना तय है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लग जाएगी। 1 माह के लिए आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिए। तामसिक का मतलब शायद ना जानते हो, नॉनवेज हो गया, शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला। 1 माह प्रति मतलब 30 दिन लगातार आप जाइए, प्रतिदिन 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाएं। ये एक बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपकी जॉब लगने में जो भी बाधा आ रही थी वह बाधा सदैव के लिए समाप्त हो।
जाएगी और आपको एक अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने किसी व्यक्ति को यदि आशीर्वाद दे दिया, उस व्यक्ति के जीवन काल में उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वो जिस चीज की भी कामना रखता है वो उसको तुरंत ही मिल जाती है। और ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि रावण को भी अमृता का वरदान हमारे भगवान भोलेनाथ ने दिया था। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना A to Z कोई भी मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसके लिए हमारे वास्तु शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसको यदि आप अपना लेते हैं तो यकीनन आपकी कोई मनोकामना हो वो आप पूर्ण होकर आएगी। तो ये बड़ा सा है, ये 3 माह का उपाय है, मतलब 3 माह के लिए आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपने तामसिक भोजन इस 3 माह के दौरान कर लिया तो दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ का उग्र रूप देखना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए बहुत आसान से उपाय है। 3 माह की प्रत्येक सोमवार को आपको शिवालय जाना है, सफेद वस्त्र धारण करके हाथ में एक धतूरा ले जाना है, धतूरे का फूल ले जाना है, 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है या ले जा करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। इतना चढ़ाने के पश्चात 1001 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यदि आप इतना भर करते हैं और 3 माह के प्रत्येक सोमवार को यह क्रिया या साधना सही तरीके से करते हैं तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल की जो भी मनोकामना होगी, संतान प्राप्ति की, जॉब प्राप्ति की, घर बनवाने के को दौड़ाने के लिए कोई भी आपकी मनोकामना होगी वो आप पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही उसको आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों यदि आपके घर में कोई रोगी है जिसको ऐसा कोई रोल लग गया, जिसका इलाज करा कर थक गया है, उस व्यक्ति को यदि प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र देना चालू कर देते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी काला होगा, काला बंधन होगा, काली शक्ति होगी, कोई भी ऐसी चीज होगी जो उसको परेशान कर रही होगी, वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान भोलेनाथ से कई जो बड़े काल होते हैं वहां तक डरते हैं। तो यदि ये सब पूजा साधना क्रिया आप बेलपत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ के लिए करते हैं, निश्चित रूप से दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ का जहां पर एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन काल की जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म होती चली जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।